क्यों खड़ी है? जा जाके चाय बना के लेके आ। ए, डेट पसली, ज्यादा बोलने का नहीं है। अपन को ऑर्डर पसंद नहीं है और अपन ना नाच से, अपन के नाच से लोगों के दिलों में आग लगाते हैं। समझ में आया तेरे को? सब फालतू चाय वाय बना के नहीं आई बड़ी। ए, रुकना, हैंड रख, नाचेगी लगा ठुमका, आज हम भी देखते हैं। और तू क्या कह रही थी, डांस से आग लगा देगी? डबल रोल है। हाँ, और उसमें है वन गुड बॉय एंड वन बैड बॉय, जैसे हम दोनों। बिल्कुल हाँ, जैसे मैं गुड और तू बैड। तू ना ज्यादा मत बोलो कर यार, तू मत बोलो, तू मत बोल, तू मत। अरे ओ तारा सितारा, अब बस भी करो झगड़ा। नसीब से ऐसी जेल मिली जहाँ पिक्चर में दिखाई जाती है, अब भला हो जेलर मैडम का। मौसी जी सिर्फ जेलर मैडम का ही नहीं, हमारी अपनी दीदी भी तो लाखों में से एक है। अपनी दीदी को कहाँ मैं भूल सकती हूँ। कहाँ है? बुलाओ, जाओ लेकर आओ। जा तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा, तू जा। अरे ये पिक्चर की जगह गाना किसने बजा दिया? तुम लोगों ने बुलाया और अपन चली आई। सिट मेरे हीरो, क्या लगता है तू, आ गले लग जा। ए सुनहरी साइलेंट, चुपचाप बैठ जा। नहीं अपुन बिल्कुल नहीं रोकेगी। तुम लोगों को मालूम है जब अपुन डांस बार में ऐसे नाचती थी तो नोट उठते थे नोट। सबसे पहले तो ये तेरा डांस बार नहीं है और ना ही हमारे पास नोट है उड़ाने के लिए। अरे अमनी कहाँ है? अमनी को बुलाओ तभी इस बंदरिया का नाच रुकेगा। कहाँ हो अमनी? वो एसीपी नील ही नहीं है और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो अभी कभी यहाँ पर था। लेकिन सर वो वहाँ कैसे हो सकता है, वो तो हमारे सामने है घर में। मेरे पे मान भी लेता हूँ कि वो तुम्हें आजाद करवा देगा, क्योंकि उसमें भी मेरा ही फायदा है। तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं खूनी हूँ? नहीं, सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन तुम तो मेरे अपने हो ना, तुम तो मेरी बात। बस अभी इस शादी का, इस अपने बन का और इस रिश्ते का फायदा क्या है? अगर तुम गुनेगार बनने की राह पे चली दी हो तो तुम्हारे सामने भी नील नहीं, एसीपी नील खड़ा होगा, तुम्हारा पति नहीं। बहुत रिस्की था नील, आज तुम्हारी जान भी जा सकती थी। नील जरा सोचो, अगर मैं विद्युत के कोर्ट में वो बाग नहीं लगाती तो शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम आज मौत के कितने करीब हो। ये जानलेवा खेल कब तक? ये खेल तब तक जब तक वो विद्युत बर्बाद नहीं हो जाता और खुद आके अपने मुंह से ये नहीं बोलता कि अवनी बेगुनाह है और उसी ने जूही को मारा है। 6 महीने हो गए, अवनी अभी तक जेल में है। विद्युत जैसे दुश्मन से अवनी को बचाने का बस यही तरीका था मेरे पास। मैं जानता हूं कि ये एसीपी नील खन्ना ही है, बदला लेना चाहता है मुझसे। मैंने उसके दिल पे वार किया तो वो मेरे बिजनेस पे वार कर रहा है। टूटा हुआ आशिक मुझसे बदला लेगा। सर जी
वो ऐसे भी नील कैसे हो सकता है? वो तो अपने घर में ही। नियो और कोई नहीं, एसीपी नील खन्ना खुद है और वही ये सब कुछ करवा रहा है, पर कैसे ये नहीं समझ पा रहा हूं मैं। काश मैं उस दिन तुम्हारे साथ में होता। जो भी गलत होना था मेरे साथ में होता, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देता अपनी। अगर मैं वहां पे होता तो विद्युत के किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने देता। काश मैं जूही को हमारी जिंदगी में आने नहीं देता। खैर वो जितना भी सोचूं, लेकिन जो हुआ उसे मैं बदल तो सकता नहीं। तुम्हारे साथ हुई नाइंसाफी का दर्द अभी भी मेरे दिल में है अवनी। तो मैं वादा करता हूँ तुमसे, बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में वापस ले आऊंगा। किसी ने मारा क्या? अर्थर रोड वाली मोनिका है ना? अरे हाँ, इसने यहाँ पे रड़ा शुरू कर दिया। जेलर मैडम कहाँ है? मैडम तो काम से बाहर गई है। अब क्या, निकलते हैं यहाँ से। तुम लोग सब पिक्चर देखो चुपचाप, कोई मचमच नहीं चाहिए। हाँ चलो। जो इससे उलझा उसका बैंड बजा। ए डबल रोल, सीता और गीता। नहीं नहीं नहीं, सीता गीता नहीं, ये तारा, मैं सितारा। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तारा और मैं सितारा। तारा और सितारा, अगर तुम दोनों में से मैंने किसी को भी मारा तो ये तो मुझे भी नहीं पता चलेगा कि किसको मारा। ओए, शुरू से शुरू करो इसे, आज मैंने पूरी फिल्म देखनी है। क्यों खड़ी है? जा जाके चाय बना के लेके आ। ए डेट पसली, ज्यादा बोलने का नहीं है। अपन को ऑर्डर पसंद नहीं है और अपन ना नाच से, अपन के नाच से लोगों के दिलों में आग लगाती है। समझ में आया तेरे को? सफाल तो चाय वाय बना के नहीं आई बड़ी। ए रुकना, हैंड रख। नाचेगी लगा ठुमका,
आज हम भी देखते हैं। और तू क्या कह रही थी, डांस से आग लगा देगी? चल देखते हैं।